हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गो कार्ट्स के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में कि कैसी है ये फिल्म, क्या खास है इस फिल्म में और आपको ये क्यों देखने चाहिए, सब जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गो कार्ट्स, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये फिल्म इंग्लिश ही नहीं हिंदी डब में भी रिलीज हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है ओवेन ट्रेवर ने और फिल्म की कास्ट में है विलियम लॉडर, रिचर्ड रॉक्सबर्ग, फ्रांसिस ओकॉनर, एनास्टासिया बैम्पूस। तो पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में कि किस टाइप की स्टोरी आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी फोकस करती है जैक नाम के लड़के पर जो अपनी मॉम के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है और जिसको कार्स का बहुत शौक है। नए शहर में आके जैक को ये पता चलता है कि यहाँ पे कार्ट रेसिंग बहुत फेमस है और फिर जैक डिसाइड करता है आने वाली नेशनल कार्ट्स चैंपियनशिप में वो भी पार्टिसिपेट करेगा। और फिर उसके रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आती है और फिल्म में आगे क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा। तो पहले बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला प्लस पॉइंट जो है वो है फिल्म का डायरेक्शन। फिल्म को डायरेक्ट किया है ओवेन ट्रेवर ने और उनका डायरेक्शन अच्छा है। वही सेकंड प्लस पॉइंट जो है वो है फिल्म के कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स को अच्छे से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, जिस वजह से इन हर कैरेक्टर को आप पसंद कर पाएंगे और इस फिल्म के हर कैरेक्टर से आप स्टार्ट टू एंड तक कनेक्ट होंगे। वही फिल्म का जो थर्ड प्लस पॉइंट होगा वो होंगे इसके कार्स रेसिंग सीन। हाँ, और भी ज़्यादा बेटर हो सकते थे, पर जितने भी हैं वो अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं और आपको देखने में अच्छे लगेंगे फिल्म में। और अब बात करेंगे एक्टर्स के एक्टिंग के बारे में। तो फिल्म में हर एक एक्टर ने अपना रोल को परफेक्ट तरीके से निभाया है, जिस वजह से एक्टर्स की एक्टिंग भी आपको पसंद आएगी और हर एक कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो पाएंगे। और बात करूँ फिल्म की एडिटिंग और फिल्म के BGM की, तो वो भी फिल्म की तरह ठीक ठाक ही है। और अब बात कर लेंगे फिल्म के वीक पॉइंट्स के बारे में, जो कि है फिल्म का प्लॉट। फिल्म का प्लॉट बहुत ही पुराना और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसी प्लॉट के साथ हमने पहले भी कई सारी स्पोर्ट्स फिल्में देख रखी हैं और फिल्म उन्हीं स्पोर्ट्स फिल्मों से इतनी सिमिलर है कि फिल्म की हर एक बीट को हम इजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। और इतना ही नहीं, हम फिल्म के एंड को भी इजीली गैस कर लेते हैं, जिस वजह से ये फिल्म देखते हुए हमारे अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहता है कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए ये फिल्म का एक वीक पॉइंट बनता है। तो मैंने ये फिल्म हिंदी डब में देखी। और बात करूँ अगर इसके हिंदी डब की, तो फिल्म के कुछ सीन जिसमें हिंदी डब को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हाँ, फिल्म का हिंदी डब ठीक ठाक है, आप फिल्म को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल हाँ, ये कोई बड़ी फिल्म नहीं है, बट नेटफ्लिक्स की तरफ से एक अच्छी फिल्म रिलीज हुई है जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं दूंगा गो कार्ट्स को 3 स्टार्स और आपको यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और आपको भी ये फिल्म पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया, रिव्यू पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही मूवी रिव्यूज, मूवीज अपडेट्स और नेटफ्लिक्स शो रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।